पौड़ी जिले में जिला अस्पताल पीपीपी मोड के तहत संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल को अब पहले की तरह संचालित करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में प्रशासन मरीजों से अभद्र व्यवहार करते हैं, साथ ही यहां बेहतर उपचार मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसके विरोध में शहर के युवाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर के युवा नितिन रावत ने बताया कि अस्पताल में 108 सेवाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन अधिकतर की हालत खराब है। ऐसे में मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए वे बाध्य होंगे। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व सरकार में इसका अनुबंध किया गया था, इस विषय पर विचार किया जाएगा, जो भी सही होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हम तो मुकदमे झेलने के लिए भी तैयार है, हम हॉस्पिटल में खुद ताला लगाएंगे, और हम चाहते हैं कि पौड़ी की जनता को जब पीपी मोड में दिया था ये अस्पताल, तो ये बोल के दिया गया था कि यहाँ की सेवाएं सुरक्षा स्वस्थ व्यवस्था बनाई जाएगी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे बढ़िया तो पहले का अस्पताल था। देखिए, पिछली सरकार ने इनको पीपी मोड पे दिया है और इसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ, और जो भी अच्छा होगा वो किया जाएगा।